एपीटीवी भारत आवाज देश की। मऊ जिले के हलदरपुर पुलिस की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें दो फोर व्हीलर और 9 बाइकों के साथ 2 शातिर चोरों को धर दबोचा गया है। हलदरपुर पुलिस और स्वाट टीम को सूचना मिली थी कि कुछ वाहन चोर बहादुरगंज की ओर से चोरी की बुलेरो और अल्टो कार से रतनपुरा की तरफ जाने वाले हैं। सूचना पाते ही पुलिस टीम ने नगवा पुलिया के पास वाहन चेकिंग के दौरान 2 फोर व्हीलर गाड़ी चालक पकड़ लिए, जबकि एक भागने में सफल रहा। चोरों से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये चोर वाहनों को बिहार से चोरी किया करते थे और फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चला रहे थे। इसके बाद ही ये भी पता चला कि चोर चोरी की गई बाइकों को इकट्ठा कर पिंडोहरी गांव के पास बहादुरगंज पुल के नीचे झाड़ियों के बीच छुपा देते थे, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 9 मोटरसाइकिलों को बरामद किया। चोरों की पहचान आकाश यादव, भट्टन और फरार अभियुक्त भरत गिरी बताया गया है। ये चोर यूपी के अलग अलग जगहों से वाहन चुराते थे और गाड़ियों के पुर्जे और चेसी नंबर बदल देते थे। ये नगरा मोड़ है, नगवा पुलिया के पास में, थाना हलदरपुर में, जो कि चौक रतनपुर के पास पड़ते हैं। वहाँ पर गश्त में थे और टीमें भी थी, कुछ सुगवाहट थी तो चेक किया गया गाड़ी में, तो 4 पहिया वाहन और इस तरीके से। तो इन लोगों को जब रोका गया तो इनके पास से एक अल्टो जो सामने है और एक ये आपकी बोलेरो जो कि गाजीपुर के बिहार का ट्रेस हुई है। इसी तरीके से 9 मोटरसाइकिलें विभिन्न जनपदों की हैं, जिसमें एपीटीवी भारत के लिए मऊ से विजय कुमार की रिपोर्ट।